हेलो जी हाँ, आप भी 18 के बाद अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि में ग्रोथ हार्मोन हमारी हड्डियों, शरीर की संरचना और चयापचय के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमने वीडियो में कुछ तरीके बताए हैं जो इन हार्मोनों के विकास को गति प्रदान कर सकते हैं और 18 के बाद भी आपकी लंबाई बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्कीप किए देखना। 1. नियमित रूप से लटकने वाले व्यायाम करें। बहुत से लोग इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि दिन के दौरान हमारी ऊंचाई 1 इंच बदल जाती है। जब हम सोते हैं तो हमारी रीढ़ पूरी तरह फैल जाती है, जबकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारे शरीर के वजन के कारण रीढ़ सिकुड़ जाती है। इस प्रकार जैसे जैसे दिन ढलता है हमारी हाइट कम होती जाती है, लेकिन कुछ हैंगिंग एक्सरसाइज हमारी पूरी लंबाई को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। हैंगिंग एक्सरसाइज हमारी पीठ के निचले हिस्से को मजबूत बनाने में सहायक होती है और मांसपेशियों को भी जोड़ती है। यह आसन में सुधार करता है और कशेरुकाओं के बीच मांसपेशियों को बढ़ाता है। 2. उचित पोषण लें। संतुलित और स्वस्थ आहार जिसमें फल, सब्जियां, प्रोटीन और कार्ब्स का अच्छा मिश्रण शामिल है, विकास हार्मोन को ट्रिगर कर सकता है। एक स्वस्थ आहार शरीर को ठीक से विकसित करने के लिए एक ईंधन की तरह काम करता है। यह चयापचय की दर में सुधार करता है, रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है और हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। सूखे मेवे, लीन मीट, दूध और पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे खाद्य पदार्थ आपकी जरूरी चीजों की सूची में होने चाहिए। 3. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। जो लोग अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं उन्हें रोजाना 15 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ऐसे व्यायाम जिनमें रीढ़ की हड्डी में खिंचाव होता है, पीठ के निचले हिस्से पर तनाव मुक्त करने में सहायक होते हैं। यह हाइट बढ़ाने में मददगार है। सूर्य नमस्कार रीढ़ की उचित स्ट्रेचिंग के लिए एक अच्छा और प्रभावी व्यायाम है। 4. पर्याप्त नींद लें। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा शरीर काम कर रहा होता है। जैसे बच्चे अपनी नींद में सबसे अधिक बढ़ते हैं, वैसे ही वयस्कों को भी बेहतर और स्वस्थ विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में नींद की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे अधिक सक्रिय होती है। साथ ही हम जिस पोजीशन में सोते हैं वह हमारी ग्रोथ में अहम भूमिका निभाता है। सोने का सबसे अच्छा आसन बिना तकिए के पीठ के बल लेटना है, जबकि घुटनों के नीचे तकिया लगाकर थोड़ा ऊपर उठाना है। पीठ पर डिस्क को खींचते हुए यह स्थिति रीढ़ को मजबूत करती है। यह न सिर्फ आपकी हाइट बढ़ाने में मददगार है बल्कि यह पीठ की चोटों और पीठ दर्द के जोखिम को कम करने में भी मदद करता है। 5. नियमित रूप से व्यायाम करें। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि में संलग्न होना महत्वपूर्ण है, और दौड़ने, कूदने और एरोबिक्स जैसे व्यायाम से हड्डियां लंबी और मजबूत होती हैं। यह प्रभावी है क्योंकि व्यायाम तंत्रिका सिरों को सक्रिय करता है जो सीधे पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़े होते हैं। यह ग्रंथि को अधिक वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है जो सामान्य उम्र के बाद भी ऊंचाई बढ़ाने में मदद कर सकता है जब ऊंचाई वृद्धि को रोकने के लिए कहा जाता है। 6. शराब और धूम्रपान से बचें। कहा जाता है कि शराब और सिगरेट शरीर की प्राकृतिक कार्यप्रणाली और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। धूम्रपान शरीर में रक्त के प्रवाह और पोषक तत्वों के प्रवाह को कम करता है जिससे विकास में बाधा आती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।